हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रात कैसे हो गई? जब मैं सोया था तब तो दिन था। ऐसे मेरे हाथ में ये बाल उगने लग गए, पता नहीं कब से छुटकारा मिलेगा। इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, मैं ना अपने हाथ ही काट देता हूँ। जब हाथ ही नहीं रहेंगे तो ये बाल भी मुझे तंग नहीं करवाएंगे। चाकू कहाँ? कहाँ चाकू? ये मुसीबत मेरे गले तक पहुंच गई। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरी जान तो खतरा है, दरवाजा खोलो। डॉक्टर साहब, 8 साल हो गए मेरे सिद्धार्थ को इस हालत में देखते हुए, और कितना इंतजार करना होगा। मेरा बेटा ठीक होगा कि नहीं डॉक्टर? देखिए, सिद्धार्थ की हालत में पहले से काफी सुधार है, लेकिन ये दौरे लगता है उसके मन में किसी चीज का डर बैठ गया है, और उस डर की वजह से वो बेकाबू हो जाता है। मेरा बेटा कभी ठीक हो पाएगा या नहीं डॉक्टर साहब? हौसला रखिए, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, मुझे पूरा यकीन है कि आपका बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाए। अरे यार, यार अभी कितनी बकवास पिक्चर थी। हाँ यार निरंजन, उससे भी ज्यादा बकवास उसके गाने थे यार। मुझे तो बस पॉपकॉर्न खा के बहुत मजा आ गया, है ना मीनाक्षी? सही कहा तुमने दीपाली। अच्छा तुम लोग जरा 2 मिनट रुको, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। तू क्या हर 2 मिनट में वॉशरूम चली जाती है? पानी ज्यादा पीती है ना इसलिए। अरे यार अभी तुम लोग मेरे फ्रेंड नहीं हो क्या? अच्छा तुम लोग रुको, मैं भी आती हूँ। तू जा, हम लोग रवि 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 ठीक है। वो देख वो देख वो देख, चलो वहाँ पे चलते हैं। कौन है, कौन है यहाँ? शायद मेरा वहम ही होगा। हाँ से वही आवाज, आवाज शायद यहां से आ रही है। रवि, रवि तुम हो ना? रवि तुम्हें पता है ना मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। रवि लापरवाही की भी हद होती है। सिद्धार्थ अपने कमरे से बाहर गया कैसे? माफ कीजिएगा सर, मैं तो बस सिद्धार्थ की दवाइयाँ लेने बाहर गई थी। दरवाजा खुला छोड़ के? नहीं सर, दरवाजा लॉक था। दरवाजा लॉक था तो फिर सिद्धार्थ अपने कमरे से बाहर गया कैसे? माफ कीजिएगा सर। माफी से काम नहीं चलेगा, जाओ जल्दी ढूंढो उसे, पूरा अस्पताल छान मारो जल्दी। जी सर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग तो यही थे ना? जी हाँ, हम लोग तो यही थे। तो फिर आप लोगों ने सिद्धार्थ को अपने कमरे से बाहर जाते हुए कैसे नहीं देखा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सर वो सिद्धार्थ मिल गया। मिल गया? कहाँ था वो? सर वो कंपाउंड में था। कंपाउंड में? जी सर। मामा, सिद्धार्थ। बेटा। पापा। सिद्धार्थ कहाँ चला गया था? कितनी फिक्र हो रही थी हमें, तो ठीक है ना? कि मामा मैं तो टहलने गया था। टहलने गया था? हाँ। लेकिन तुम अपने कमरे से बाहर गए कैसे?
मकड़ी। मकड़ी? हाँ मकड़ी। क्या मकड़ी ने तुम्हें बाहर निकाला? मकड़ी तो अब मेरी दोस्त बन गई है। ये कैसी बातें कर रहा है? मकड़ी दिस वे सर। लाश को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? जी नहीं सर, सिर्फ एक लेडी डॉक्टर ने नब्ज को चेक किया था, उसके अलावा लाश के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। यहाँ सर। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी। एक मिनट, जरा पीछे हटिए आप लोग। हटो, पीछे हटो। सब लोग इधर आइए प्लीज। पीछे जी, पीछे जी। इधर आइए आप लोग, जल्दी जल्दी। ओहो बेचारी लड़की, किसे मालूम था जिसका आखिरी दिन होगा यहाँ पर। कब क्या हो जाए डॉक्टर साहब, कुछ कह नहीं सकते। ये तो है। अभिजीत, इसके शरीर पर कोई चोट या जख्म का निशान तो दिखाई नहीं दे रहा है। किसी किस्म का कोई जहर? ना, जहर के कोई ट्रेसेस भी नहीं है। अच्छा? हाँ ये हो सकता है, मुझे लगता है इस लड़की की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई होगी। जब हम आए इस लड़की का हाथ यहाँ था ऐसे, इसका मतलब इस लड़की को सीवियर हार्ट अटैक आया होगा। उसके दिल में दर्द हुआ और उसकी वजह से यह हाथ यहाँ पर आया। लेकिन हार्ट अटैक की वजह क्या हो सकती है? इस लड़की के साथ कौन था? सर हम लोग, इसका नाम मीनाक्षी है, ये रवि, निरंत और मैं दीपाली, हम इसके दोस्त हैं सर, और हम एक साथ फिल्म देखने आए थे। अच्छा, फिर ये सब हुआ कैसे? सर जब हम पिक्चर देख के बाहर आ रहे थे तो मीनाक्षी ने बोला उसे वॉशरूम जाना है, वो अकेले ही वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी की चीखने की आवाज सुनाई दी और जब हम यहाँ आए तो मीनाक्षी। क्या बोला? चीख सुनाई दी। हाँ हाँ सर, शायद वो किसी चीज को देख कर बहुत डर गई होगी। एक मिनट अभिजीत, अभिजीत ये हो सकता है, हो सकता है इस लड़की ने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिससे बुरी तरह से डर गई हो, डर की वजह से इसे हार्ट अटैक आया होगा। हाँ सर, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि एक बहुत ही डरावनी मूवी देखते हुए एक आदमी को दिल का दौरा हुआ और उसकी मौत हो गई। या पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा क्या डरावना देख लिया कि सीसीटीवी कैमरा? मैंने सर, मुझे इस कैमरे की फुटेज देखनी है। यहाँ देख सकते हैं सर, मीनाक्षी की मौत से पहले का फुटेज दिखाना। कॉरिडोर से शुरू करो जरा। जी सर। ये इधर उधर देख रही है, किसी को ढूंढ रही है क्या? सर लग तो ऐसा ही रहा है। सर ये तो फिर से रुक गई। जरा दूसरा कैमरा दिखाना, या तो किसी ने इसका नाम लेके पुकारा या फिर कुछ सुना है इसने, किसी के कदमों की आहट वगैरह। क्या देखा इसने, जरा दूसरा एंगल लगा। अरे ये क्या, इतनी बड़ी मकड़ी की परछाई? ये कैसे मुमकिन है सर, इतनी बड़ी मकड़ी मॉल में और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अरे लेकिन ये आपकी फुटेज में दिख रहा है ना, ये सामने है ना, ये मीनाक्षी जिधर गिरी उसका फुटेज दिखाओ जरा। सर एक बात तो साफ हो गई कि इसी मकड़ी की परछाई की वजह से मीनाक्षी को दिल का दौरा पड़ा। लेकिन ये मकड़ी आई कहां से? चलो देखते हैं। सर हमारा पूरा मॉल सीसीटीवी की कवरेज में है, सिर्फ इस छोटे से पैसेज के। यहाँ का सीसीटीवी कैमरा खराब है। कमाल है, जहाँ पे खून हुआ है उसके आसपास का कैमरा खराब है। ये मीनाक्षी यहाँ से आई इस कॉरिडोर में, और यहाँ पे उसने मकड़ी देखी, उसको हार्ट अटैक हुआ, और शायद वो मकड़ी इधर से रेंगती हुई चली गई जहाँ का कैमरा खराब है। सर डॉक्टर सालों के मीनाक्षी की लाश को अपने साथ फोरेंसिक लैब ले गए। ठीक है, ये मकड़ी गई तो गई कहाँ, जरा आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर
वहां से ये पत्ता मिला है। पत्ता कहाँ पे? वहां से सर, यहाँ पे सर, इस जगह पे था। यहाँ पे? हाँ सर। यहाँ तो आसपास कोई पेड़ पौधा, कोई गमला वगैरह तो है नहीं, ये पत्ता आया कहाँ से? सर शायद वो मकड़ी लेकर आई होगी। सर एक इतनी बड़ी मकड़ी अचानक इस मॉल से गायब हो जाती है, जिसे सिर्फ मीनाक्षी ने देखा। इस मकड़ी का राज शायद इस पत्ते में ही है। इस पत्ते को भी सारुंग के साहब के पास भेज दो सर, और मीनाक्षी के दोस्तों को बुलाओ जरा। सर दया। हाँ दया, क्या हाल है भाई, कैसे हो? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ यार, मैं एक्चुअली मॉल में हूँ। अरे शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर रहा हूँ यार, यहाँ पे एक मर्डर हो गया, बड़ा अजीबोगरीब मर्डर है यार। नहीं नहीं अरे यार, इतने दिनों के बाद तुम छुट्टी पे गए हो, तुम एंजॉय करो, हम लोग देख लेंगे। नहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब लोग ठीक ठाक है। सर दया मैं बाद में फोन करता हूँ। तुम लोगों ने बताया कि तुमने मीनाक्षी की चीख सुनी थी। हाँ सर। हाँ सर। तो चीख में उसने कुछ कहा था? कुछ मकड़ी? 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 नहीं तो सर, वो तो बस चीखी थी। पर आपने मकड़ी के बारे में क्यों पूछा सर? क्योंकि मीनाक्षी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। दिल का दौरा? शायद मीनाक्षी ने एक बहुत बड़ी मकड़ी को देख लिया और उससे डर के उसे हार्ट अटैक आ गया। लेकिन आप लोग मकड़ी का नाम सुन के इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मॉल में मकड़ी कैसे आ सकती है सर, हम तो बस यही सोच के हैरान है। हाँ सर। है ना? हाँ। कमाल है, ना किसी ने मकड़ी को देखा ना उसकी आवाज सुनी, तो फिर ये 6 फीट बड़ी मकड़ी गायब कहाँ हो गई? आप लोगों की जानकारी के लिए इतना बता दूं कि दुनिया के किसी भी कोने में 6 फीट बड़ी मकड़ी नहीं होती। पर सर हमने खुद उस मकड़ी की परछाई देखी थी CCTV फुटेज में। ठीक है, तो आइए आप लोग मेरी रिसर्च भी देख लीजिए। आइए, ये देखो मेरे रिसर्च पेपर बताते हैं कि दुनिया में 40,000 से 50,000 किस्म की मकड़ियां होती हैं, जो कि अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर मिलती हैं। और इसमें सबसे बड़ी मकड़ी का साइज 11 इंच है। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी मकड़ी 11 इंच, तो बॉस 6 फीट की मकड़ी तो हो ही नहीं सकती। अरे लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी रिसर्च में ये भी लिखा है कि कई ऐसी मकड़ियां हैं जिनकी खोज अभी तक नहीं हुई है, शायद ये ऐसा ही कोई केस। एक नए किस्म की मकड़ी जो अब तक इंसानों की नजरों में आई नहीं। अरे बाप रे, मकड़ी चाहे नई हो या पुरानी, एक बात तो पक्की है, इन चारों दोस्तों का उस मकड़ी के साथ कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध है। इसीलिए तो जैसे मकड़ी का नाम सुना उनके चेहरे का रंग उड़ गया। और मीनाक्षी की तो मौत हो गई हार्ट अटैक से, शायद मीनाक्षी भी अपने दोस्तों की तरह कुछ ऐसा जानती थी मकड़ी के बारे में जो बहुत भयानक था। सर मॉल से वो पत्ता भी तो मिला था ना? हाँ, तारिका ने उस पत्ते के बारे में कुछ पता लगाया है। एक मिनट सर, सर ये पत्ता हॉलीवेल नाम के पौधे का है जो सिर्फ जंगल में ही पाया जाता है, शहरों में नहीं मिलता। सर मॉल से 3 किलोमीटर दूर वो बींद गूंज का जंगल है, शायद ये पत्ता वहीं का हो। सचिन काम करो, फ्रेडी और पंकज दोनों को बींद गूंज के जंगल में लेकर जाओ और 6 फुट वाली मकड़ी के बारे में पता लगाओ। सर, और अपने साथ कुछ ऑफिसर्स को भी लेकर जाओ। श्रेया, मीनाक्षी के घर वालों को फोन करो और उनसे कहो कि हम लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता, भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता, मेरे फूल से बच्ची को मुझसे नहीं छीन सकता। अपने आप को संभालो सुनीता, माना कि हमें जिंदगी ने बहुत ही गहरा जख्म दिया है, पर अभी सच का तो सामना करना ही पड़ेगा। जी आप? जी मैं ACB प्रद्युमन, CID से। CID से? क्या मंदिर आ सकते हैं? आइए। थैंक यू।
सॉरी, पता है हमें ये सही वक्त नहीं है आप लोगों से मिलने का, मगर क्या करें, मजबूर है हम लोग। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं आपकी बेटी, मेरा मतलब है मीनाक्षी, को कोई दिल का प्रॉब्लम था? हार्ट? बिल्कुल नहीं, उसे ऐसे कोई दिल की बीमारी नहीं थी, पर पता नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो गया। देखिए, हमें लगता है कि मीनाक्षी जब उस शॉपिंग मॉल में गई तो उसने वहां पर एक बड़ी सी मकड़ी देखी और बस उस मकड़ी को देखते ही चौंक गई और शायद उसी वक्त उसका हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मतलब है दिल की धड़कन। मीनाक्षी मकड़ी को देखकर चौंक गई, ये भला कैसे हो सकता है? मीनाक्षी को तो मकड़ियों में बहुत दिलचस्पी थी। मकड़ियों में दिलचस्पी? जी हाँ, मीनाक्षी जीव विज्ञान की स्टूडेंट थी और उसका लगाव तो यहाँ तक था कि उसने टेरेंट्यूला मकड़ी के ऊपर एक खास प्रोजेक्ट तैयार किया था। टेरेंट्यूला? टेरेंट्यूला मकड़ी तो बहुत ही जहरीली मकड़ी होती है। हाँ, वही तो, उसे मकड़ियों से कभी डर नहीं लगा, पर कुछ सालों से अचानक क्या हुआ उसे? वो मकड़ियों से बहुत नफरत करने लगी। नफरत करने लगी थी? क्यों? उसने जितनी भी उनकी फोटोग्राफ इकट्ठी की थी उसे फाड़ने लगी, उसे जलाकर राख करने लगी। यहाँ तक कि अगर उसको अपने विज्ञान की किताब में कोई मकड़ी का फोटो भी दिख जाता तो वो उस पन्ने को ही फाड़ के फेंक देती थी। स्ट्रेंज, पर क्यों, मतलब ऐसी क्या वजह थी जो उसे मकड़ियों से इतनी नफरत होने लगी? पता नहीं, बहुत बार उसे पूछने की कोशिश की, उसने कभी बताया ही नहीं। शायद दीपाली को मालूम हो। दीपाली? सब के सब जंगल में फैल जाओ, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, ये ऑलिवेल नाम का पत्ता मिलना चाहिए, देख लो पत्ते को ध्यान से ताकि कोई गलती ना हो। अरे पंकज, तुम्हें इस मकड़ी से डर तो नहीं लग रहा है ना? सर, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, कहीं आपको तो डर नहीं लग रहा है? तुम फ्रेडी से बात कर रहे हो? फ्रेडी से? फ्रेडी भी किसी से नहीं डरता, पता है? एक बार बड़ा सा हाथी मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था मुझ पे हमला करने के लिए। एक हाथी आपकी तरफ दौड़ के आ रहा था हमला करने के लिए? फिर आपने क्या किया सर, भागे कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे दिखा दिया कि फ्रेडी का जिगर शेर के जैसा है, मैं वहीं पे डट के खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे घूरता रहा। फिर क्या हुआ सर? फिर होना क्या था, हाथी पलट गया और दुम दबा के भाग गया। हाथी दुम दबा कर भाग गया? और नहीं तो क्या, वो समझ गया था कि उसकी भलाई उसी में है कि वो फ्रेडी से पंगा ना ले। सर, ऐसी एक वीरता की कहानी मेरे पास भी है, सुनाओ। सुनो सुनो। एक बार एक पागल कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था सर। अच्छा? पूरा एरिया उससे परेशान था, कभी किसी को काट ले कभी किसी को काट ले, मुझे लगा कि मेरा नंबर आ गया है। फिर क्या हुआ, उसने तुझे काटा? सर, मैंने बचपन से प्रैक्टिस की हुई अपनी मार्शल आर्ट की ट्रिक उसे दिखाई, तुम दबा के भाग गया सर, एरिया में कभी दिखा ही नहीं। वेरी गुड पंकज, सारे ऑफिसर हमारे जैसे शूर होने चाहिए। अरे हम हाथी कुत्तों से नहीं डरते तो मकड़ी क्या चीज है? छोटी सी मकड़ी से डरते हो? सर बचाओ सर, यहाँ पे बहुत सारी मकड़ी है सर, बचाओ। एक मिनट, थोड़ी बहन का पता है? इतनी सारी मकड़ियाँ, ऐसा लगता है फ्रेडी कि यहाँ पे कुछ गाड़ा गया था। सर, लगता है मकड़ियों के लिए खाना है यहाँ पे, पूरी की पूरी मंडली जमा है। लगता है फ्रेडी इस गड्ढे में लाश गाड़ी गई थी। लाश? आइए सर, आइए। सुषमा, ये लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। दीपाली, हमें मीनाक्षी के घर से पता चला है
कि मीनाक्षी को अचानक मकड़ियों से नफरत होने लगी थी। क्यों? मकड़ियों से? जी हाँ, मकड़ियों से। तुम तो मीनाक्षी की पुरानी दोस्त थी ना, तो शायद तुम्हें पता हो कि मकड़ियों से नफरत करने की क्या वजह थी। देखो दीपाली, हमसे कुछ मत छिपाओ। बींद गूंज के जंगल में हमें एक गड्ढा मिला है और उस गड्ढे में किसी की लाश गाड़ी हुई थी, लेकिन अब उस लाश की जगह पे सिर्फ एक जूता है और वो गड्ढा मकड़ियों से भरा हुआ है। क्या तुम हमें बताओगे कि उन मकड़ियों के साथ तुम्हारे अतीत का क्या लेना देना है? दीपाली देखो, हम जानते हैं कि तुम एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही हो। तुम्हारी सबसे पुरानी दोस्त की मौत हो गई और तुम्हारे अतीत के पन्ने अपने आप ही खुलते जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। देखो, तुम हमें सीआरडी ऑफिसर्स मत समझो, बल्कि अपने दोस्त समझो। प्लीज हमें सच सच बता दो, ये क्या चक्कर है? आज से 4 साल पहले हम सब दोस्तों से एक भूल हुई थी। कैसी भूल? कैसे बताओ? बोलो दीपाली। देखो, अगर तुम नहीं बताओगी तो मीनाक्षी का खूनी आजाद घूमता रहेगा। प्लीज बोलो। 4 साल पहले हम सब दोस्त पंचगणी गए थे पिकनिक के लिए। हमारे बीच एक ऐसा दोस्त भी था जिसे मकड़ियों से बहुत डर लगता था। सिद्धार्थ नाम था उसका। ये सैंडविच खाने के बाद सिद्धार्थ कहीं भी मकड़ियों से नहीं डरेगा, क्योंकि मकड़ियों को तो क्या करने आएंगे। गाइस ऐसा मत करो, किसी से भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। ओ सच्चाई की पुजारण, यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं और इतना मजाक तो चलता है ना। सिद्धार्थ तेरा सैंडविच रेडी हो गया, आ जा। हाँ आया आया मम्मा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। आ जा ला भाई, इधर है। थैंक यू गाइस, जल्दी खा। कैसा लगा खाने से? अच्छा है ना? क्या हुआ? क्या है इसमें? तेरे डर भगाने की दवा मकड़ी। तुम लोगों ने अपने ही दोस्त के खाने में मकड़ी डाल दी, यही संस्कार दिया है हमने तुम्हें दीपाली? माफ करना पापा, लेकिन हम लोगों को अपने किए पे बहुत पछतावा है। तो तुम्हें क्या लगता है दीपाली, कि मीनाक्षी की मौत में सिद्धार्थ का हाथ है? दरअसल सर, जब सिद्धार्थ को पता चला कि हमने उसके खाने में मकड़ी डाली थी तो वो और घबरा गया। उसका डर कम नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। उसको लगने लगा कि मकड़ियाँ अंदर ही अंदर से उसके शरीर को खा जाएंगी। ये सिद्धार्थ रहता कहाँ? सर 4 साल पहले तो यही इसी शहर में रहता था, अब कहाँ रहता है नहीं पता। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। सर लगता है ये सारा खेल सिद्धार्थ खेल रहा है, वो एक एक करके अपने दोस्तों से बदला ले रहा है मकड़ी बन के। हो सकता है। अच्छा वो जंगल में जो जूता मिला था वो किसका है? सर जंगल में दफनाई हुई किसी लाश के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, अगर आपकी जरूरत दोबारा पड़ती है तो हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू। सर मुझे लगता है दीपाली ने हमें पूरा सच बताया नहीं, वो जरूर उस लाश के बारे में कुछ न कुछ जानती है। आश्रया, भले ही दीपाली हमें पूरा सच ना बताए, लेकिन हम सच तक पहुंच ही जाएंगे। लाल ये पता करो कि ये सिद्धार्थ इस वक्त है कहाँ। हेलो नीरज, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? तुम लोगों के जाने के बाद यहाँ सीआईडी आई थी। सीआईडी? हाँ। तुमने कुछ बताया तो नहीं उनको? नहीं, लेकिन सीआईडी बींद गूंज के जंगल तक पहुँच गई है। क्या? हाँ, उन्हें वहाँ लाश तो नहीं मिली लेकिन एक जूता मिला। लाश नहीं मिली तो लाश गई कहाँ? ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन लाश की जगह पे मकड़ियाँ थी। मकड़ियाँ? हाँ। ये मकड़ी हमें नहीं छोड़ेंगी। मैं यहाँ छुप जाता हूँ, मकड़ी मुझे यहाँ नहीं ढूंढ सकती। वो लाश खा सकती है, मुझे नहीं खा सकती। रुको यार, ये जरूर मकड़ी होगी। नीरा क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मम्मी, मुझे लगा कि कोई चोर घुसाया। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप जाओ। आप जाओ ना, मैं आता हूँ 5 मिनट में। आप जाइए, मैं आता हूँ 5 मिनट में मम्मी, आता हूँ। मीनाक्षी नहीं हूं, सुना तुमने?
तुम जैसी मकड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सुना तुमने? सुना? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता मेरे साथ। रुक जाओ, रुक जाओ वहीं पे, मेरे पास बताना, मैं कह रहा हूं, रुक जाओ भाई। रुक जाओ भाई, बचा लो, बचा लो, मुझे इस मकड़ी से बचा लो, ये मकड़ी मुझे मार डालेगी माँ। मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। सुबह तक तो सब ठीक था, अचानक ये सब कैसे हो गया? मैम, मैम प्लीज संभालिए अपने आप। जानकी जी, जानकी जी जरा शांत हो जाइए। देखिए मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या गुजरती है निरन की ये हालत देखकर। पहले मीनाक्षी और अब निरन, सचिन इन सबका जरूर उस मकड़ी वाले मजाक के साथ संबंध है जो इन चार लोगों ने सिद्धार्थ के साथ किया था। सर, सिद्धार्थ का पता चल गया। पता चल गया? कहाँ पर है सिद्धार्थ? सर वो प्रताप नगर के एक हॉस्पिटल में भर्ती है। प्रताप नगर के हॉस्पिटल में? नहीं नहीं, मैं आपको सिद्धार्थ से मिलने नहीं दूंगी, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैडम हम उसे गिरफ्तार करने नहीं आए, सर कुछ सवाल पूछते। देखिए वैसे ही उसकी तबीयत ठीक नहीं, सवाल जवाब करके उसे आप लोग और परेशान करेंगे। एक लड़की का खून हुआ है जिसे सिद्धार्थ 8 साल से जानता था, और एक लड़के की जान जाते जाते रह गई जो सिद्धार्थ का दोस्त था 8 साल पहले। लेकिन इन सब बातों में सिद्धार्थ का क्या लेना देना? ये तो सिद्धार्थ को मिलने के बाद ही पता चल जाएगा। मैम प्लीज हमें मिलने दीजिए। ये क्या, कहाँ है सिद्धार्थ? पता नहीं। देखिए मिस्टर, अपने बेटे को बचाने की कोशिश मत कीजिए। और आप भी खामखा मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत कीजिए। आपको क्या लगता है कि खून सिद्धार्थ ने किया है? मैम निरन छत से गिरा है, और वो छत से गिरा एक 6 फुट की मकड़ी के डर से। 6 फुट की मकड़ी? जी हाँ, 6 फीट की मकड़ी, जबकि ऐसी कोई मकड़ी नहीं होती। आपका बेटा मकड़ी के भेष में ये गुनाह कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा बेटा मकड़ी बनकर खून कर रहा है। देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा हमेशा इन कमरों की 4 दीवारों में कैद रहता है। अगर आपका बेटा इन 4 दीवारों में कैद रहता है तो इस वक्त आपका बेटा कहाँ पे है? देखा, यही है मेरा बेटा। अरे ये तो वॉशरूम गया था। मम्मा, पापा, ये लोग कौन है? सिद्धार्थ, हम तुम्हारे नए दोस्त हैं। दोस्त? हमसे दोस्ती करोगे? जी। ये क्या सिद्धार्थ, तुम्हारे हाथों पर और ये पैरों में ये मिट्टी कहां से आई है? अरे हाँ, ये मिट्टी कहां से लग गई? बताओ ना मामा, पापा बताओ ना, ये मिट्टी कहां से लग गई? मिट्टी कहां से आई? देखिए मैं आप लोगों के हाथ चूकता हूँ, इसे अकेला छोड़ दीजिए, ये आपके सवालों का जवाब देने की स्थिति में इस समय नहीं है। निखिल जरा बाथरूम में जाके चेक करो, देखो ये मिट्टी कहां से आई है इसके पैरों पर। सिद्धार्थ बेटा एक बात बताओगे, निरन, रवि, दीपाली, मीनाक्षी ये 4 लोग याद है तुम्हें? ये तुम्हारे दोस्त थे ना स्कूल से? नहीं, ये कोई दोस्त नहीं है मेरा, कोई दोस्त नहीं है मेरा, आप लोग भी दोस्त नहीं है मेरे। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, चले जाइए। नहीं ऐसा बोला आप लोगों को, इस तरह से मेरे बेटे को परेशान करके। सर, सर बाथरूम में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे इसके पैरों में मिट्टी लग सके। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, या आपका ये बेटा कहीं बाहर गया था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा बाहर नहीं जा सकता। तो फिर सिद्धार्थ के पैरों पर और हाथों में मिट्टी कहां से आई? ये तुम पता लगा ही लेंगे कि सिद्धार्थ कहां गया था और किस लिए गया था। निखिल इसके पैरों से मिट्टी उठाओ और फोरेंसिक लैब भेज दो। तो ये है वो छत जहां से वो गिरा था। हाँ सर, और सर लगता है इस दीवार पर, इस दीवार पर निरंत को वो मकड़ी वाली परछाई दिखी होगी। हाँ निखिल,
मगर मकड़ी की परछाई तभी दिखेगी जब मकड़ी किसी लाइट के सामने हो, है ना? पता ये है वो लाइट जिसके सामने वो मकड़ी थी। छत को अच्छी तरह से ढूंढते हैं। अच्छी तरह से ढूंढो, देखो उस मकड़ी ने हमारे लिए कोई सुराग छोड़ा है क्या। सर, सर ये देखिए मिट्टी के निशान, शायद यहाँ कोई खड़ा हुआ था। ये तो पैरों के निशान लगते हैं मिट्टी के, जरूर यहाँ पर कोई खड़ा था। एक मिनट, वो क्या है? कील जैसा है और उस पर कुछ लगा हुआ है। निखिल निकालो जरा। संभल के। सर खाल का टुकड़ा जैसा लग रहा है। सर खाल का? जरा मैग्नीफाइंग ग्लास। ये लो, ये खाल का टुकड़ा किसी इंसान की खाल का टुकड़ा है। इंसान की खाल का टुकड़ा, इसका मतलब है जरूर यहाँ पर जो भी कोई खड़ा था उसे उस कील की वजह से खरोच आ गई और उसकी खाल उस कील पर अटक गई। सर हा? सर वो देखिए नीचे गमला भी टूटा हुआ है। गमला भी टूटा हुआ है तो जरूर यहाँ से छलांग लगाई होगी उसने भागने के लिए, सीधा गिर गया उस गमले पर और गमला भी टूट गया। मगर सर क्या सिर्फ एक खाल के टुकड़े के जरिए हम खूनी तक पहुंच सकते हैं? हाँ निखिल, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं पहुंच सकते। अब देखना ये खाल का टुकड़ा ही हमें बताएगा कि है कौन सी ये मकड़ी इंसान के खाल वाली, इंसान के खाल वाली मकड़ी। सरों के उस खाल के टुकड़े का डीएनए रिपोर्ट आया? हाँ बॉस, ये खाल किसी 25 साल के लड़के की, ऐसा लड़का जो दिन में 12 से 14 घंटे घर के बाहर ही रहता है। 12 से 14 घंटे घर से बाहर, मतलब हम जैसे कहीं काम करता होगा। हाँ लेकिन उस लड़के का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। उसकी खाल काफी रूखी और सख्त हो गई और धूप की वजह से झुलस गई है। खाल काफी रूखी और सूखी और धूप की वजह से झुलस गई है। लड़का बड़ा फुर्तीला और तेज लगता है, आसानी से छत पे चढ़ गया हो। बिल्कुल बस। सर सिद्धार्थ तो अपना ज्यादा समय हॉस्पिटल में बिताता है, मुश्किल से आधे घंटे के लिए कमरे से बाहर जाता होगा। मतलब ये कोई और ही है। यार सड़क है, सिद्धार्थ के पैरों पर जो मिट्टी मिली थी वो निरंत के घर के बाहर की मिट्टी है ना? नहीं बस, ये मिट्टी हॉस्पिटल के बाहर की है। सिद्धार्थ नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है? और एक बात पता चली है, उस लड़के के खाल में से हमें फाइबर मिला, नारियल के पेड़ का फाइबर। नारियल के पेड़ का फाइबर उस लड़के के खाल में? फिर तो सर ऐसा लगता है वो लड़का नारियल के पेड़ पे चढ़ता होगा। जो लोग नारियल तोड़ते हैं काफी तेज और फुर्तीले भी होते हैं। बस तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि शहर में ऐसे कितने लोग हैं जो नारियल के पेड़ पर चढ़ के नारियल उतारकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और जल्दी से रवि और दीपाली को ब्यूरो में बुलाना पड़ेगा इससे पहले कि कोई मकड़ी उनका शिकार करे। सर आप लोग बेवजह हम पे शक कर रहे हैं, अगर हमें पता होता इसके पीछे किसका हाथ है तो हम आपको पहले ही बता देते। नहीं 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 नहीं, जरूर कोई ना कोई तो राज है जो तुम अभी भी हमसे छुपा रहे हो, बताओ। नहीं सर, ऐसा तो कोई राज नहीं है। देखो दीपाली, सीआईडी से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। अगर तुमने पहले सच बता दिया होता तो आज निरंत हॉस्पिटल में नहीं होता। हाँ अब भी वक्त है, सच सच बताओ। अगर तुम चाहते हो कि वो मुजरिम तुम्हें नुकसान न पहुंचाए तो हमें सच सच बताओ, बताओ। सर हमने आपको पहले सब कुछ सच सच बता दिया था। झूठ! तुमने ये नहीं बताया कि वो लाश किसकी थी। सर, वो लाश किसकी थी? वो लाश बताओ जल्दी किसकी थी। नहीं रवि, मुझे बताने दो, मैं ये राज और अपने तक नहीं रख सकती। लेकिन ये लोग हमें दोषी समझेंगे। कौन दोषी है कौन नहीं इसका फैसला हम करेंगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मकड़ी वाला इंसान तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए तो जल्दी से बताओ
ये सारा चक्कर है क्या? बता। सर, सिद्धार्थ को जब पता चला कि हमने उसके खाने में मकड़ी डाली है तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। क्या हो गया इसे? अरे हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तेरे इस घटिया मजाक से देखा क्या हो गया? ज्यादा मत बन। जब मैं मजाक कर रहा तू भी तो हंस रहा था है? और इस तरह अनजाने में पुनीत की मौत हो गई। तुम्हारे इस गंदे मजाक की वजह से पुनीत और मीनाक्षी दोनों की जाने चली गई और सिद्धार्थ बेचारे की जिंदगी चार दीवारों में बंद हो गई हमेशा के लिए। हमें माफ कर दीजिए सर। और तुम्हारी करतूत सबके सामने ना जाए इसलिए पुनीत की लाश को तुमने जंगल में दफना दिया हा? नहीं सर, हमने नहीं, निरंत ने। उसने बोला था पुनीत की लाश को दफनाना पड़ेगा नहीं तो हम सब फंस जाएंगे, और हमने ये सब किसी को नहीं बताया क्योंकि हम डर गए थे। पुनीत के घर वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? पुनीत अनाथ अनाथ आश्रम ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी लेकिन 6 महीने तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और उन्होंने केस बंद करा दिया। उन 6 महीनों में हमारी रातों की नींद ही गायब हो गई थी। सर, हो सकता है ये सब पुनीत का कोई दोस्त कर रहा हो, हो सकता है वो उसकी मौत का बदला ले रहा हो। लेकिन सर, पुनीत का हमारे अलावा और कोई दोस्त नहीं था। ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार, तो फिर है कौन ये मकड़ी वाला इंसान जो पुनीत की मौत की सजा इन चार दोस्तों को देना चाहता है? क्या रिश्ता है इसका पुनीत के साथ? बहुत बड़ी गड़बड़ है सचिन, बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप पंकज, नारियल वाला आदमी मिल गया। एक्सेलेंट। सर, ये रहा वो नारियल तोड़ने वाला। अनिल नाम है इसका सर। क्या चाहिए साहब? CID। CID? हाँ, CID। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में और पैर में चोट कैसे आ गई? तो साहब मेरा काम ही ऐसा है, पेड़ से नारियल तोड़ते वक्त मैं गिर गया था। पेड़ से गिर गया था या किसी छत से? साहब छत से कैसे गिरूंगा, नारियल तो पेड़ पे लगते हैं ना। ए, ज्यादा होशियारी दिखाओगे ना तो सीधे नारियल की तरह पेड़ पे लटका दूंगा, समझे? बताओ अशोक नगर में कुमार साहब के घर के छत पे क्या कर रहे थे तुम? क्या करने गए थे? देखो वहाँ उस छत पे से एक आदमी गिरा है और इस वक्त हॉस्पिटल में है। अगर वो मर जाता ना तो अभी तुम फांसी पर लटक जाते, समझे? बताओ क्यों गए थे उधर? साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो सिर्फ मजाक करने के लिए कहा गया था, मुझे नहीं मालूम था कि वो मजाक मजाक में नीचे गिर जाएगा। तुमने ये सब मजाक भी किया? हाँ साहब, उस आदमी ने मुझे एक यंत्र भी दिया था। और उसने कहा था कि इस यंत्र को दीवार की तरफ करके रखना इसका मुंह, और इसमें जो बटन है उसे दबाना। लगता है ये प्रोजेक्टर के बारे में बात कर रहा है। प्रोजेक्टर ही है। फिर बताओ क्या हुआ? साहब मैंने उसका बटन दबाया तो उसमें से एक बड़ी सी मकड़ी की परछाई निकली और उसे देखकर तो मैं भी डर गया था एक मिनट के लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साहब वो लड़का वो परछाई देखकर घबरा गया और नीचे गिर गया। शर्मानी चाहिए तुम, तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में उस आदमी की अगर जान चली जाती तो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ये काम करने के लिए मुझे 5,000 रुपए दिए गए थे, मैंने सोचा मजाक है इसलिए मैंने हाँ कर दी थी। किसने दिए थे तुम्हें पैसे? किसने दिए थे पैसे? साहब वो सिटी हॉस्पिटल में जो आदमी है उसने। सिटी हॉस्पिटल? सर ये सिटी हॉस्पिटल वही है ना जहाँ पे सिद्धार्थ एडमिट है। सिटी हॉस्पिटल क्या करने गए थे तुम? साहब मैं वहाँ पर रोज आता हूँ नारियल पानी पिलाने के लिए। चलो हमारे साथ और दिखाओ हमें वो आदमी जो मकड़ी का खेल खेल रहा है। ले चलो इसे। चल। आइए साहब उस तरफ। उस तरफ? हाँ साहब। लगता है ये हमें सिद्धार्थ के कमरे की तरफ लेके जा रहा है। हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है। साहब ये वो कमरा है। ये तो सिद्धार्थ का कमरा है। हाँ साहब, इसी कमरे में था वो जिसने मुझे पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। चलो। ये सिद्धार्थ ही सब कुछ करवा रहा है। निखिल देखो जरा बात, तुम चेक करो। सर सर
लगता है सिद्धार्थ को पता चल गया था कि हम लोग उसका पीछा करते हुए आएंगे, इसीलिए हमारे आने से पहले वो यहाँ से 9-11 हो गया। सर वॉशरूम ठीक ठाक है? सर लगता है सिद्धार्थ बीमार था ही नहीं, वो सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहा था। 8 साल तक बीमारी का नाटक। कोई आदमी बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी के 8 साल कैसे दांव पे लगा सकता है? सचिन ये बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है, भूल जाता है इंसान कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब तो इसे ढूंढना पड़ेगा, इस सिद्धार्थ को। सिस्टर। जी सर। ये सिद्धार्थ कहाँ गया? अपने कमरे में नहीं है क्या? ये नहीं, कमरे में नहीं। पर सर आधे घंटे पहले तो अपने कमरे में ही था, अभी कहाँ गया? सर कहीं दीपाली और रवि से बदला लेने तो। अरे रवि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रही हो? मुझे किसी ने फोन करके बुलाया यहाँ पर। मुझे भी, पर यहाँ पर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ कहीं ये उस खूनी का काम तो नहीं? मुझे यही लगता है, हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो चलो। ये किसकी आवाज है? कहीं वो मकड़ी तो नहीं? तुम सही बोल रही हो। चलो चलो भागो, ये आवाज तो हमारे पास से आ रही है, भागो जल्दी। चलो। अरे जल्दी उठो दीपाली, भागो भागो। ये कंकाल कहाँ से आ गया? ये लगता है इसको भी मकड़ी नहीं मारा था। ये मकड़ी हमें नहीं छोड़ेगी, पूरी टीम उनका बदला लेके रहेगी। अब क्या करें? सर आप लोग, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वो मकड़ी हमें मार डालेगी सर। घबराओ मत, ये कोई मकड़ी नहीं, मकड़ी बनकर बदला लेने वाला इंसान है वो। वोरा, वोरा, तो जाओ और फिर रो। छोड़ो मत उसे। मकड़ी का ना? वहां तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में और तुम यहाँ खून पे खून कर रहे हो। मैंने मारा है मीनाक्षी को और इसके सारे दोस्तों को मैं मार डालना चाहता था, क्योंकि मेरे बेटे की जिंदगी लोगों ने बर्बाद कर दी। जिस उम्र में मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए थी, उसकी नौकरी लग जानी थी, उस उम्र में मेरा बेटा अस्पताल की चार दीवारी में कैद, और वो सब इनकी वजह से, इनकी वजह से। हमें अपने किए पे पछतावा है। तो बदला लेने के लिए इतने साल क्यों रुके? हाँ पहले मुझे पता नहीं था कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था, लेकिन जब पिछली बार थोड़ी सी हालत उसकी सुधरी तो उसने मुझे बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। बस और फिर बदले की आग ने तुम्हें अंधा बना दिया, निकल पड़े तुम खून करने के लिए। लेकिन अफसोस से कि सिर्फ मीनाक्षी की जान ले पाया मैं। अरे अफसोस तो तुम्हें अपने किए का होना चाहिए, अफसोस तो तुम्हें अपने सोच का होना चाहिए। यह सोचना चाहिए था कि तुम्हारे इस किए हुए कर्म से क्या होगा इन दोनों का। इन दोनों को तुमने अंधकार में ढकेल दिया है, समझे? कभी सोचा कि तुम्हारे पीछे इन दोनों का क्या होगा? क्योंकि शायद तुम्हें तो अब फांसी ही होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।